स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मेरे अंश और मेरे परिवार का ध्यान रखना। तुमने अंश को जन्म दिया है लेकिन उसकी माँ कभी नहीं बनी। मेरे जाने के बाद अंश की माँ बनकर निकाला। हमें मंजूर है। बताइए क्या करना है। जैसा कि तुम लोग जानते हो, महाडायन बनने के लिए अपने वंश में से किसी बड़े की अनुमति की जरूरत है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि अनुमति उसकी माँ की ही हो। मतलब? एक सेकंड अंश, मैं समझ गया। ये कहना चाह रही है कि ये वेत्री जी और कलाश्री से बड़ी है। इसका मतलब है कि महाडायन मोहना की आज्ञा से भी बन सकती है। मतलब मेरे बाल से। जैसे ही मेरा बाल इस राख को छुएगा, ये जलने लगेगा और उस राख से महाडायन बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें तो महाडायन को बनने से रोकना था ना। अविनाश जी, हम वो भी करेंगे। जैसे ही महाडायन बनने लगेगी, मैं स्वर्ण छड़ी से वेत्री जी और कलाश्री के जोड़ को तोड़ दूंगा। हाँ, लेकिन इसमें भी बहुत खतरा है। कैसा खतरा? इससे पहले कि बाल पूरी तरह जल जाए, आपको वेदश्री और कालाश्री में से वेदश्री को पहचानना होगा और कालाश्री को खत्म करना होगा। और अगर आप बाल के पूरी तरह जलने से पहले कालाश्री को खत्म नहीं कर पाए तो महाडायन पैदा हो जाएगी और हम छुटकी को हमेशा के लिए खो देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। भगवान, दो तो भाभियाँ। अब क्या होगा? इनमें से एक कलाश्री है। बाल के पूरे जलने से पहले आपको छुटकी को पहचानना होगा और कलाश्री को मारना होगा।
मैं वेदश्री हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकती है? मैं वेदश्री हूँ। नहीं नहीं, ये वेदश्री नहीं है, मैं वेदश्री हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये वेदश्री नहीं है, मैं वेदश्री हूँ। लेकिन हम इन दोनों में से पहचानेंगे कैसे कि असली भाभी कौन है? एसीपी होने के बाद आप ऐसा सवाल कैसे कर सकते हैं? अरे आपको तो सबसे पहले पता चलना चाहिए कि असली भाभी कौन सी है। अरे मेरे पास दो ही आंखें हैं, शक्तियां नहीं है मेरे पास। हमें जल्दी से छुटके को पहचानना होगा। अगर ये दोनों एक हो गई तो महाडायन बन जाएगी और फिर हम छुटके को कभी नहीं बचा पाएंगे। अंश, तुम छुटकी को पहचानने में गलती नहीं कर सकते, जल्दी करो। अंश, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पाला है। नहीं अंश, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पाला है। ये तो दोनों डिट्टो टू डिट्टो सेम सेम है। शिखर जी, वेदश्री मैं हूँ, ये नहीं। अब आप अपनी वेदश्री को नहीं पहचानेंगे। हाँ निशा जी, बताइए ना कौन है वेदश्री मेरी इसमें। अंश, वक्त निकला जा रहा है, तुम्ही को चुनना होगा। अंश, ध्यान से, हम माँ को नहीं खो सकते। ये तो क्या कर रहा है अंश, अपनी माँ को मारेगा? अंश, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे पाला है। अंश जल्दी करो वरना महाडायन बन जाएगी। इनकी बातों पे ध्यान मत दो, अपने दिल की सुनो। अगर अंश ने वार नहीं किया तो भी हम छुटकी को खो देंगे। मुझे भरोसा है तुम सही चुनोगे। मेरे परिवार का ध्यान रखना। तुमने अंश को जन्म दिया है लेकिन उसकी माँ कभी नहीं बनी। मेरे जाने के बाद अंश की माँ बनकर दिखाना। किसी को सौभाग्य नहीं मिलता अपने बेटे को सही साबित करने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा देने का। मैंने तुझे मेरा खून माफ किया। भगवान का जो अंश ने भाभी को पहचानने में गलती नहीं की। लेकिन अंश, तुमने भाभी को पहचाना कैसे? मौत सामने खड़ी थी लेकिन माँ ने अपनी नहीं हमारी चिंता की। ऐसी माँ को पहचानने में मैं गलती कैसे कर सकता हूँ?
जाने के बाद हम जी की मां बन कर दिखाना। मोहना ने कहा था ना दिल की सुनो, मैंने अपने दिल की सुनी। हाँ विदिश, तुम्हारे जाने के बाद हम सब पे कहा बीती है, और देखो तुम्हारे आते ही ऐसा लग रहा है जैसे हम सबको एक नया जीवन मिल गया, इस घर की रौनक वापस आ गई। आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? मेरी प्रिया और अंश के होते हुए मुझे कुछ हो सकता था क्या? मेरा परिवार मेरी ताकत है, और जब तक मेरा परिवार मेरे साथ है मुझे किसी भी बात का कोई डर नहीं। चलो बहुत हो गया रोना धोना, अब छुटकी आ गई है, अब रोने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रोने से मेरी आंखें सूज जाती है, और मैं नहीं चाहती कि इस वक्त मेरी आंखें सूज जाए। क्यों भाभी डहन, इस वक्त ऐसी क्या खास बात है? मैंने तुम लोगों की मदद की है, अब बदले में तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। वादे के मुताबिक अब तुम लोगों को मुझे वो देना है जो मैं मांगूंगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।